तो राजघाट विजय घाट नहीं पहुंचने पर केजरीवाल पर सवाल खड़े किए हैं। एलजी ने केजरीवाल के ना पहुंचने पर निराशा जताई, नाराजगी जताई। केजरीवाल कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे, ये बात कही गई। सीएम को प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए था, ये भी बात कही गई। तो अमित हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, कोई पहला मौका नहीं था, कई बार ऐसा देखा गया है जहां जहां एलजी को मौजूद होना होता है केजरीवाल की कोशिश होती है कि वो अवॉइड करें फाइल्स के भेजे जाने से लेकर कल का ये पूरा मामला। इस बार जो राजभवन से चिट्ठी आई है इसमें क्या कहा गया है? देखिए, इसमें साफ तौर पे ये जो चिट्ठी है ये राजघाट और विजय घाट जो कि लाल बहादुर शास्त्री की का जन्मदिन और महात्मा गांधी के जन्मदिन को मनाया जाता है, वहां पर देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सब लोग जाते हैं, तो उस पर उनका ना पहुंचना, उनके मंत्रालय उनके सरकारी किसी मंत्री का या डिप्टी सीएम का ना पहुंचना, इसको लेकर एलजी ने चिट्ठी लिखी है कि ये बहुत ही दुखद बात है क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है। और सबसे बड़ी बात की जो विजय घाट में जो उसमें चिट्ठी में लिखा हुआ है कि विजय घाट में जो फंक्शन है वो उसको ऑर्गेनाइज करने की पूरी जिम्मेदारी जो है नेशनल कैपिटल दिल्ली यानी कि दिल्ली सरकार की है और उसमें वहां पर होना चाहिए था किसी ना किसी को, लेकिन ये नहीं होता है। ये दिखाता है कि आप एक प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं कर रहे हैं और इस तरह की चीजें दुखद होती है। और ये जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें प्रोटोकॉल है राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का, आप देखिए तो जहां पहुंचना होता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को तो प्रधानमंत्री पहले पहुंचते हैं ताकि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का को रिसीव कर सके, एक प्रोटोकॉल है। तो ऐसे में उनका ना पहुंचना इस बात को लेकर एलजी ने चिट्ठी लिखकर अपना दुख जताया है और उम्मीद जताई कि ऐसा इस तरह से चीजें ना हो तो बेहतर हो। ठीक है, हमें जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो इस चिट्ठी का जवाब आखिर कैसे देते हैं अरविंद केजरीवाल, ये देखने वाली बात है। लेकिन प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने की वजह से अरविंद केजरीवाल को ये एलजी की तरफ से चिट्ठी लिखी गई और नाराजगी जाहिर की गई।